डायस ट्यूमर की डेफिनेशन बताई थी ना, पढ़ो जरा डायस ट्यूमर की क्या डेफिनेशन थी। क्या था डायस ट्यूमर की डेफिनेशन? स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज, है ना। चलो एग्जाम्पल लिखो एक पहले, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। एक एग्जाम्पल लिखो, फर्स्ट और सेकंड में बताओ क्या रिलेशन है। क्या फर्स्ट और सेकंड इनेंशियोमर है? हाँ, ये जो है एक दूसरे की मिरर इमेज है और ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो ये है हमारा इनेंशियोमर। ये समझ में आया? अब बताओ ये जो नीचे मैंने बनाया थर्ड फोर्थ, इसमें क्या रिलेशन है? ये दोनों जो है ये डायस्टीरियोमर है, नहीं सॉरी, ये भी तो इनेंशियोमर है, ये भी तो इसकी मिरर इमेज है, यानी ये क्या है? इनेंशियोमर है। ये समझ में आ रहा है कि ए का रिलेशन बी के साथ क्या है? इनेंशियोमर। ऐसे ही सी का रिलेशन डी के साथ क्या है बताओ भाई? इनेंशियोमर। ठीक है, मिरर इमेज बनाई ना मैंने उसकी, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं है, उसकी मिरर इमेज बना ली। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी? क्या ए डी की मिरर इमेज है? नहीं है ना, तो ए और डी में क्या रिलेशन हुआ बताओ भाई? ए डी हुए हमारे डायस्टीरियोमर्स। ऐसे बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी? ये भी तो डायस्टीरियोमर है, बी एंड सी आर डायस्टीरियोमर। अब बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी? ए और सी में क्या रिलेशन है? ये भी डायस्टीरियोमर है। बताओ कैसे बताया ये डायस्टीरियोमर है? ये मिरर इमेज नहीं है ना उसकी। क्यों नहीं है मिरर इमेज? क्योंकि ये ब्रोमीन वाला कार्य सेंटर फिक्स है और ये एस सी एल ऊपर वाला चेंज हो गया, एक फिक्स एक चेंज हो गया, मतलब ये मिरर इमेज नहीं है, है ना। ऐसे ही बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड डी? ये भी है डायस्टीरियोमर्स। अब ये बताओ डायस्ट्यूमर की है ना एक और डेफिनेशन हो सकती है, एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है बताओ? बोलो भाई डायस्ट्यूमर की क्या डेफिनेशन होगी एक और? देखो हमारे पास दो आइसोमर है ना, और हमें पता चल गया कि ये दोनों आइसोमर स्टीरियो आइसोमर है। पहले तो पता लगाना पड़ेगा स्ट्रक्चर है या स्टीरियो है, तो हमको पता चल गया कि ये दोनों स्टीरियो आइसोमर हैं। ये बात समझ में आ गई? अगर वो दोनों स्टीरियो आइसोमर है ना, तो फिर दो ही आंसर हो सकते हैं कि वो जो दो स्टीरियो आइसोमर हैं, अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं तो वो इनेंशियोमर हो गए, और अगर वो मिरर इमेजेस नहीं हैं तो वो क्या हो गए? डायस्टीमर हो गए ना। देखो इसके पहले हमें वो सब रूल आउट करना पड़ेगा कि वो दोनों आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, वो दोनों स्ट्रक्चरल नहीं होने चाहिए, वो दोनों स्टीरियो होने चाहिए। पहले ये तीन काम करने पड़ेंगे, क्या ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, स्टीरियो है या आइडेंटिकल है। हमें पता चल गया स्टीरियो आइसोमर है, तो अब दो ही रिलेशन होगा, या तो इनेंशियोमर होगा या डायस्ट्यूमर होगा। तो हम लोग है ना डायस्ट्यूमर को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये दोनों
ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है ना, और स्टीरियो आइसोमर है और इनेंसियोमर नहीं है, अगर वो दोनों स्टीरियो आइसोमर इनेंसियोमर नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, तो क्या है वो? डायस्टीरियोमर। ऐसे ये दोनों स्टीरियो आइसोमर मिरर इमेज नहीं है, तो क्या है ये? डायस्टीरियोमर। तो डेफिनेशन क्या हुई बताओ? स्टीरियो आइसोमर, वो तो डेफिनेशन थी, लेकिन हम एक और डिफाइन कर सकते हैं ना, स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट इनेंसियोमर। अगर वो स्टीरियो आइसोमर इनेंसियोमर नहीं है, तो फिर वो क्या है? वो डायस्टीरियोमर है। क्या भाई समझे आप? कि दो स्टीरियो आइसोमर में दो ही रिश्ते होते हैं, या तो मिरर इमेज होगा या मिरर इमेज नहीं होगा। इसके पहले क्या करना होगा? स्ट्रक्चर है, स्टीरियो है या आइडेंटिकल तो नहीं है, पहले वो रूल आउट करेंगे, उसके बाद ये आएगा। बनाओ उसको। इसलिए देखो, कोई भी पेयर बना लो आप स्टीरियो आइसोमर का, या तो इनेंसियोमर पेयर बनेगा या डायस्टीरियोमर बनेगा। समझ गए भाई? लिखो इसको, लिख के वहां बनाओ, ये दोनों इनेंसियोमर हैं और जो इनेंसियोमर नहीं है वो डायस्टीरियोमर है। ग्रीन टी वगैरह पियोगे क्या? ग्रीन टी है, इसमें दालचीनी डली हुई है, पीना है? तुम लोग कहाँ के पियोगे? एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के अंदर लैक्टोज का दिक्कत है, वो लैक्टोज टॉलरेंट होता है ना, वो इनटॉलरेंस, दूध डाइजेस्ट नहीं होता, पता है तुम्हें? बहुत ज़्यादा, मतलब मोर देन, मेरे को एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा है, लेकिन 50% से ज़्यादा था कि जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। तुम में से कितने लोग हैं दूध डाइजेस्ट नहीं होता से, मतलब लैक्टोज की दिक्कत होती है, या दूध पीते ही नहीं हो? कितने लोग ऐसे दूध वगैरह नहीं पीते? अच्छा, कितने लोग ऐसे रेगुलर दूध पीते हैं? वेरी गुड, चलो वो अलग मैटर है, लिखो इसको। तो जिसको दूध की दिक्कत हो ना, तो और भी सोर्स आते हैं दूसरे, आलमंड मिल्क आता है, बादाम का मिल्क आता है, और भी आते हैं, वो एक आता है वनीला फ्लेवर का, सोया मिल्क। चलो डेफिनेशन लिखो जरा डायस्टीरियोमर की, लिखो स्टीरियो आइसोमर, लिखो स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट इनेंसियोमर आर डायस्टीरियोमर। स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट इनेंसियोमर आर डायस्टीरियोमर। अब आपको बढ़िया से सोच के ये बनाना है कि ड्रॉ डायस्टीरियोमर ऑफ फॉलोइंग। जो मैं बनाने जा रहा हूं उसके कितने डायस्टीरियोमर बनेंगे, नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर भी बताने हैं उसके, और ड्रॉ भी करना है। ड्रॉ डायस्टीरियोमर ऑफ द फॉलोइंग। चलो अब लोग हम ट्रांसऑसिस का मॉडल देखते हैं, है ना? ये वाली कौन सी ज्योमेट्री हमारी? ट्रांस, है ना? और हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कॉपी में। ये वाली कौन सी ज्योमेट्री हमारी? सिस, और हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना? इन दोनों में रिलेशन क्या है? इन दोनों में रिलेशन है, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एज वेल एज डायस्टीरियोमर। ये दोनों डायस्टीरियोमर भी है, क्योंकि डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन है ना, स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेजेस। तो ट्रांस की मिरर इमेज ट्रांस होती है और सिस की मिरर इमेज सिस होती है। तो इन दोनों में दो रिलेशन है, डायस्टीरियोमर एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपको एक स्टीरियो आइसोमर गिवन है, बनाओ उसको।
थोड़ा स्पीड में बनाना है और अपनी कॉपी में बनाना है। हो गया भाई, ट्राई कर लिया सबने? बनाते जाओ, फॉर्मूले वार्मूला कुछ नहीं, मत सोचो कोई फॉर्मूला वार्मूला कोई नहीं लगेगा चाहिए एडवांस में, सब में बिना फॉर्मूले वाले ही सवाल आएंगे। बना लिया? किसी क्लास में आया नहीं थे, देख लिया रिकॉर्डिंग? अरे भाई थर्ड लास्ट वन बना लिए? वो पीछे मुड़ के जो देख रहे हैं, कमर में दर्द है शायद, देखो ट्विस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा ऐसा कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं सर, मरोड़। थोड़ा स्पीड में बनाओ, बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं यार इस साल, अपने को आराम से बहुत सारा पढ़ना है। क्या आंसर, गलती होने के चांस है बता दूं मैं पहले एडवांस में, नंबर ऑफ डायस्टमर निकालोगे इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस है, जबकि आपको डेफिनेशन वाइज में सब पता है। चलो पहले का बताओ, ए का बताओ, इसके कितने डायस्ट्यूमर बनेंगे? नहीं आपको एक तो गिवन है ना, गिवन के कितने डायस्ट्यूमर बनेंगे, तो गिवन को छोड़ना है फिर आपको, है ना? तो इसका तो एक ही डायस्ट्यूमर बनेगा, कौन सा? जब अपन ये दोनों चेंज कर देंगे, यानी हम सिस का क्या करेंगे, ट्रांस। तो इसका बन गया ये एक डायस्टेरोमर जो कि है ट्रांस, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बी में बताओ कितने बनेंगे, ये ई आइसोमर है या जेड है, ये आयोडीन ये क्लोरीन, ये जेड है ना, इसमें आप ब्रोमीन और किसको चेंज कर दो, आयोडीन को। तो बताओ ये जो बना ये क्या बना बताओ, ई बन गया, इसका भी एक ही बनेगा भाई। आप Z का E बनाओ, लेफ्ट से बनाओ या राइट से बनाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है, बन तो एक ही रहा ना वो आइसोमर। जब आपको इसके डायस्टेरोमर बनाने हैं, मतलब एक नया स्टीरियो आइसोमर बनाना है आपको, तो ये नया एक बना है, आप ये नहीं कह सकते यहां से बनाया यहां से बनाया, वो तो एक ही चीज बन गई, समझ गए आप? ठीक है अब बताओ C के कितने बनेंगे, C के दो बनेंगे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। दो कैसे? हाँ एक अपन एक काम करते हैं, ये एक बार ऊपर वाला वैज का डैश बना देते हैं, ये बन गया ट्रांस। अगर हम इसको वैज का डैश करेंगे तो ये ट्रांस बन गया ना हमारा। अब बताओ दूसरा कौन सा है, जैसे नीचे वाले को डैश कर दें, अगर अपन नीचे वाले को डैश करेंगे तो ऊपर वाला वैज ही रहेगा ना। अब आपको बताना है कि क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं क्या,
इन दोनों को देखो ध्यान से, ये आइडेंटिकल नहीं है क्या? ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ये मिरर इमेज है एक दूसरे की, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है और इसकी मिरर इमेज है। मिरर इमेज कैसे पता चल रहा है? यहां लगाएंगे ना मिरर, ये इसकी मिरर इमेज बन रही है, बात समझे आप? तो इसका आंसर कितना रहेगा? इसके बनेंगे दो स्टीरियो, दो डाई स्टीरियो पर। कौन से दो? ये ट्रांस और उसकी मिरर इमेज। अब डी ट्राई करो। एक्चुअल में क्या है कि इसके ना ये इनेंसियमर बन रहा है ना, ये दो इनेंसियमर। अच्छा मैं ऐसे देता ना आपको कि इन तीनों में रिलेशन बताओ, तो आप कैसे रिलेशन बताते हैं? आप बोलते ये दोनों इनेंसियमर है, फिर आप क्या बोलते हैं? ये दोनों डायस्ट्रीमर है और ये दोनों भी तो डायस्ट्रीमर है, तो तीन स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं जिसमें से दो इनेंसियमर है, तो वो जो दोनों इनेंसियमर होंगे वो एक गिवन के साथ क्या होंगे? डायस्ट्रीमर होंगे ना। किसमें? फर्स्ट वाले में? नहीं, वो एक्चुअल में क्या है, इसमें ना सिमेट्री है मॉलिक्यूल में, तो ट्रांस को उठा के तुम रखोगे ना घुमा के ऐसे, तो सुपर इम्पोज कर जाएगा वो, समझो? वो एक सिमेट्री एलिमेंट है, इसमें सिमेट्री नहीं है। जैसे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ना, इक्वल हाफ में कट जाए ना मॉलिक्यूल, तो इसमें सिमेट्री नहीं है, इसमें सिमेट्री है दोनों में, तो कट जाएंगे मॉलिक्यूल, तो दो ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, ट्रांसफॉर्म एक ही होगी। अब इसको ड्रॉ करके देखो, डी वाले को, डी के दो बनेंगे, बना के देखो जरा डी, डी के दो कैसे बन रहे हैं, समझ में आ रहा है? आपको क्या दिया है? एक ब्रोमीन दिया है और एक क्लोरीन, हमको बनाना है इसका डायस्टीरियोमर। तो एक बार काम करो, ऊपर वाले कार्बन का एक पेयर चेंज कर दो, एक को कांस्टेंट रखना है, एक को चेंज करना है, तो ये क्या बन गया? हमारा डायस्टीरियोमर। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ? नीचे वाले में एक पेयर चेंज कर दो, तो फर्स्ट के साथ सेकंड और थर्ड का क्या रिलेशन है? डायस्ट्रियोमर। और सेकंड थर्ड का क्या रिलेशन है? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इनेंसियोमर। तो कितने डायस्ट्रियोमर बने? दो बने। ये दोनों डायस्ट्रियोमर है और ऐसे ये दोनों भी डायस्टीरियोमर है। समझे आप? डायस्टीरियोमर को मॉडल से समझते हैं, है ना? तो डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन क्या है? स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेजेस। या देखो, ये जो कार्य सेंटर है ना, ये कांस्टेंट है, लेकिन ऊपर वाले कार्य सेंटर में एक पेयर चेंज हो गया। अब कांस्टेंट कैसे? देखो ये वैलेंसी, देखो ये, देखो ये, देखो ये तीनों कलर सेम है ना, इसमें देखो चाहे इसमें देखो, ये तीनों कलर सेम है, यानी ये हो गया हमारा कांस्टेंट। अब ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले के अंदर अगर इन दोनों को हम देखें और इन दोनों को देखें, तो एक पेयर चेंज हो गया हमारा, तो ये और ये में एक पेयर चेंज है, और नीचे वाला क्या है? हमारा कांस्टेंट है। तो डेफिनेशन क्या है? स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेजेस, ये मिरर इमेज नहीं बन रही है, और स्टीरियो आइसोमर है, इसका मतलब दोनों में रिलेशन हो गया डायस्ट्रीमर। एक कार्य सेंटर कांस्टेंट होना चाहिए और दूसरा वेरिएबल होना चाहिए, तो वो होंगे हमारे डायस्ट्रीमर। थैंक यू। जैसे ये फोटो देखो, ये डायस्ट्रियोमर है, जैसे इसमें कुछ रह गए हैं, कुछ बदल गए हैं। जैसे कार्य सेंटर में होता है ना, दो दो कार्य सेंटर में, एक कार्य सेंटर फिक्स हो और एक वेरिएबल हो, तो वो कैसे हो जाएंगे? डायस्ट्रियोमर। वैसे ही कुछ रह गए, कुछ बदल गए, मतलब ये दोनों डायस्ट्रियोमर है। लिख लिया सब लोगों ने? अब ऐसा कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर होगा जिसका डायस्ट्रीमर नहीं बनेगा? ऐसा कार्य सेंटर कंटेनिंग मॉलिक्यूल बताना है आपको कि जिसमें कार्य सेंटर तो है लेकिन उसका डायस्ट्रीमर नहीं बनेगा। एक हो, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अगर हमारे पास ऐसा एग्जांपल हो ना कि जिसमें सिर्फ एक ही कार्य सेंटर हो, जैसे ये हमारा एफ क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इसका आर एस कॉन्फिगेशन लगाओ, क्या इसका आर है या एस है? ये वन प्रायोरिटी, टू, ये थ्री, आर का एस आएगा ना, ये लोएस्ट प्रायोरिटी को हॉरिजॉन्टल में उल्टा करेंगे, तो क्या तुम इसका डायस्टीमर बना सकते हो? गया
इसका डायस्टोमर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि अगर तुमने इसमें पेयर चेंज किया, इसका एक ही तो कार्य सेंटर है, तो एक एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? ये मिरर इमेज आर बनेगा और इसके दूसरे स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कार्य सेंटर है ना, तो उसके दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, एक एस हो सकता है, एक आर हो सकता है, यानी उसका इनेंशियमर बना सकते हैं, उसका डायस्टोमर नहीं बनेगा। समझे तुम? तो ये फिफ्थ एग्जाम्पल लिख के लिखो, डायस्टोमर इज नॉट पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल कार्य सेंटर। सिंगल कार्य सेंटर मतलब आगे एल्किन वेल्किन नहीं लगा सकते आप, है सिंपल सिंगल कार्य सेंटर। डायस्टोमर इज नॉट पॉसिबल, डायस्टोमर इज नॉट पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल कार्य सेंटर। डायस्टोमर इज नॉट पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल कार्य सेंटर। नीचे एग्जाम्पल बना के लिखो, दे आर इनेंशियमर, दे आर नॉट डायस्टोमर्स। दे आर इनेंशियमर, दे आर नॉट डायस्टोमर्स। ये तो मैंने आपको अब तक डायस्टोमर की डेफिनेशन बताई, आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आज हम क्या करेंगे? रिलेशन निकालेंगे। मैं आपको मॉलिक्यूल्स दूंगा, आइसोमर्स दूंगा, आपको उनके बीच में रिलेशन बताना है। तीन ऑप्शन है, इनेंशियोमर, डायस्टोमर या अदर्स। अदर्स हो गए ना, बाकी सब है ना। तो नीचे लिखो, फाइंड रिलेशन बिटवीन गिवन, लिखो फाइंड रिलेशन बिटवीन गिवन आप टेबल कैसे बनाओगे? 70% स्पेस तो ऐसे यहां आइसोमर के लिए दे दो और यहां लिखो आप इनेंशियोमर, फिर डायस्टीरियोमर और अदर्स, 10% स्पेस दे दो इनको। जैसे क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे। पहला एग्जांपल है तो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे हमने बनाया यहां पे OH एंड क्लोरीन, अब नीचे क्या करना है, ऐसे ए बी सी डी लिखना है, ए बी सी एंड डी, आपको सभी के बीच में रिश्ता बताना है, रिलेशन ए बी ए सी ए बी ए डी जो भी बन रहे हैं सारे पेयर। क्या भाई सौरभ कुमार समझे? कि कोई तो रिश्ता होगा इनके बीच में, और मान लो रिश्ता ही नहीं है तो फिर कहेंगे नो रिश्ता, अदर्स में चले जाएंगे। अरे भाई समझ रहे हो, फोर्थ लास्ट वन, क्या बनाना है इनके बीच में? रिश्ता बनाना है, रिलेशन बनाना है। बन रहा है तो ही बनाना है, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं। जैसे ऐसे बनाना है आपको, सपोज करो ए बी इनेंशियोमर, यहां लिखो ए बी, सी डी इनेंशियोमर, ऐसे लिखो सी डी, सपोज करो डायस्टोमर है ए डी, तो ए डी डायस्टोमर, ए सी डायस्टोमर, सपोज करो ए डी अदर्स है तो ए डी अदर्स, ऐसे। वैसे ये आंसर जो लिखा है सही नहीं है। आजू बाजू से बातचीत बंद कर दो और ध्यान लगाओ, फाइंड रिलेशन बिटवीन गिवन पेयर।
अरे बातचीत में लगे, तुम बातचीत करोगे, रिलेशन बनाओ। फर्स्ट के डी में थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अदर्स वाला ऑप्शन है ना अपना, हाँ ठीक है फिर ठीक। वैसे तुम समझ गए मैं क्या कहना बताना चाह रहा था ना, अब जो बन गया तो उसका ऑप्शन है ही। कल अपने वो हमारे जो एसटीएफ ग्रुप वालों ने बनाया था ना, अपने वो मीम्स बनाए थे, वो एनिमेशन बनाया था ना एक, कितना शानदार था है ना भाई, आयुषी बहुत ज़बरदस्त था ना वो, क्यों वैष्णवी तुमने देखा नहीं शायद, अच्छा अच्छा ठीक आ जाओ, क्या ज़बरदस्त बनाया था एकदम। अब वो ग्रुप वालों को दिखेगा ना भाई, जो मेहनत करें उन्हीं को दिखेगा ना। क्या भाई हो गया, ये तो फटाफट बनाओ भाई, जल्दी जल्दी बनने चाहिए। हम हो गया, क्या आंसर रहेगा बताओ, इसमें कौन कौन इनेंशियोमर है बताओ, एसी, और डायस्टीमर कौन है, बीसी डायस्टीरियोमर है, और एबी भी डायस्टीमर है, और डी का रिलेशन बाकी सबसे साथ क्या है, अदर्स, अदर्स में क्या है, नॉट आइसोमर, चाहे एडी हो चाहे बीडी हो चाहे सीडी हो, आइसोमर ही नहीं है वो तो। अब D के बाद क्या आएगा बताओ, E, फिर आएगा F, फिर आएगा G, आप बताओ। ए बी सी क्यों आएगा, D के बाद E आएगा, सॉरी E आएगा, पूरा A टू Z तक चलेगा ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ भाई बताओ, E और F में क्या रिलेशन है, डायस्टमर है ना ई एफ, और एफ जी में क्या रिलेशन है, इनेंशियोमर, और कौन सा रह गया, ई जी में क्या रिलेशन है, डायस्टमर्स, लिखो जरा आगे, समझ गया। अब आगे एबीसी लिख लिया तो कोई बात नहीं, अब आगे ई एफ जी लिखना, उसको ई एफ जी लिख लो एबीसी का, आगे ऐसे जेड तक करते हैं, मिटा दो।
Thank you.
हो गया भाई। आजकल शार्क टैंक इंडिया में कोटा वाले खूब आ रहे हैं। कल वो एक आए थे, एक बुक का स्टार्टअप था उनका, वो दोनों ही कोटा में पढ़े हुए थे और वहाँ कोटा में किसी बुक शॉप पे मिले थे दोनों। खैर आईआईटी बैकग्राउंड से नहीं है, वो बीटेक ही किया उन्होंने नॉर्मल। तो एक दोनों नावल पढ़ने का शौक़ था दोनों को। तो वो लड़की शायद यूपी कहीं की रहने वाली थी, वो लड़का शायद वेस्ट बंगाल का था। तो एक ही नावल खरीदने के लिए एक ही दुकान पर चले गए कोटा में। अब कोटा में तो नावल कभी मिलते हैं ना भाई, एक नावल और वो दो। तो उनकी बातचीत हुई भाई कौन नावल लेगा कौन नहीं लेगा। अल्टीमेटली उस लड़की ने ले लिया, ठीक है। तो उनकी वो दोस्ती हो गई यहाँ पे, दोनों बुक रीडर थे। फिर चले गए कॉलेजेस में, फिर उनको लगा यार कॉलेज तो बीटेक तो कर ही रहे हैं लेकिन हमको तो बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो उन्होंने अपना बुक्स में स्टार्टअप कर लिया। बढ़िया था वो, ऐसे थोड़ा मतलब उस बुक्स के साथ वो भी देने लग गए बाकी चीज़ें, स्टेशनरी वगैरह। 3-4 करोड़ रुपए का स्टार्टअप था, 5 करोड़ का ऐसा कुछ। वैसे नॉवल जो आसानी से नहीं मिलते हैं ना, उनको वो सोर्स करके फिर देते हैं। हाँ भाई, अब तो हो गए होंगे सारे। ओके भाई, चलो ये बताओ इसमें थर्ड में क्या रहा, इनेंशियमर है क्या थर्ड में? कोई थर्ड में ये एच और आई क्या है? डायस्टिमर कैसे बताया, ये सिस है और ये ट्रांस। तो हमारे डायस्टिमर हो गए एच एंड आई, और कोई डायस्टिमर है क्या? और ये क्या है एच जे आई जे अदर्स, अदर्स में क्या है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर, और स्ट्रक्चरल में क्या है ये पोजिशनल आइसोमर। क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो गई ना, चेंज इन पोजीशन ऑफ क्लोरीन पोजिशनल आइसोमर, ठीक है। बाकी सब अदर्स में चले गए। फिफ्थ में बताओ, नहीं फोर्थ में इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है? ये दोनों डायस्टमर कैसे बताए तुमने, डायस्टमर कैसे बताए? एक बात समझो, अभी मैंने आपको लिखवाया नोट्स में कि एक कार्य सेंटर वाले का कभी डायस्टमर होता ही नहीं है। इसके अंदर नेट कितने कार्य सेंटर है बताओ, एक ही तो कार्य सेंटर है। एक वैलेंसी वेज में होगी तो एक वैलेंसी कहां होगी, डैश में। तो ये ब्रोमीन अगर वेज में है तो यह हाइड्रोजन कहां होगा हमारा, डैश में। तो बताओ यहां से यहां जाने में कितने पेयर चेंज हो रहे हैं, एक। तो अगर ये आर है तो वो एस होगा ना, तो रिलेशन क्या हुआ इसका?
और ये S है तो R है, ये इनेंशियमर हुआ ना। अब आपको मिरर इमेज देखनी है तो इसमें बताओ कहाँ मिरर लगाएं कि मिरर इमेज ये वाली बन जाए। इसके सामने मिरर लगाओ ना ऐसे, तो जो वैलेंसी वेज में है ना, जैसे ये वेज है, पीछे वाली वैलेंसी डैश है, ये वेज है ना। अगर मैं यहाँ मिरर लगाऊंगा तो ये मिरर इमेज बनेगी, तो बताओ वेज की ये बनेगी ना मिरर इमेज, तो वेज की मिरर इमेज क्या बनेगी? डैश। अगर मैं फ्रंट में मिरर लगाता हूँ तब, समझे आप? तो ये दोनों मिरर इमेजेस है, तो रिलेशन क्या हुआ दोनों में? इनेंशियमर। चलो अब बताओ फिफ्थ में एम और एन में क्या रिलेशन है? इनेंशियमर आइए। ओपी में क्या रिलेशन है? ओपी क्या है? ओपी इनेंशियमर है ना, ये वेज का देखो डैश कर दिया और डैश का वेज कर दिया उसी जगह पे, तो ये भी इनेंशियमर है। ओपी भी इनेंशियमर है और एम एन भी इनेंशियमर है। अब बताओ डायस्टेमर कौन है? कौन से एम ओ में क्या रिलेशन है? डायस्टेरियोमर्स। और एम पी में क्या रिलेशन है? डायस्टेरियोमर्स। और एन ओ में क्या रिलेशन है? डायस्टेरियोमर। एन पी में क्या रिलेशन है? डायस्टेरियोमर। ये सब डायस्टेरियोमर्स है, समझ गया आप? सिक्स्थ में बताओ भाई, ये स्टीरियो आइसोमर है या नहीं? ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, ये भी तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। और ये जो है दोनों वैलेंसी अप अप, एक है डाउन एक है अप, मतलब ये क्या है हमारे? ट्रांस। और ये क्या है हमारा? सिस। तो बताओ सिस ट्रांस बताओ क्या रिलेशन हुआ? डायस्टेमर हुए ना ये, तो पहला वाला देखो ट्रांस है, दूसरा वाला सिस है, डायस्टेमर हुआ। ऐसे ही सेवंथ में बताओ एस और टी में क्या रिलेशन है? ये सिस है, ये ट्रांस है, ये डायस्टेमर है। ऐसे ही एट में बताओ यूवी में क्या रिलेशन है? ये सिस है और ये ट्रांस है, ये डायस्टेमर हो गया ना, ये सब डायस्टेमर है, सिस ट्रांस हो रहे हैं। पहले लिख लो एक बार, कौन सा वाला? एट्थ वाला। एट्थ वाले में पहले तुम H बनाओ उसका, एट्थ में जब तुम H बनाओगे ना तो ये H ऐसे बनेगा, ये H ऐसे बनेगा, तो बताओ ये सिस ज्योमेट्री बनेगी ट्रांस, सिस दोनों नीचे तरफ बनी ना ऐसे। अब ये यहाँ sp2 में हाइड्रोजन बनाओगे तो एक H यहाँ बनेगा, एक H यहाँ बनेगा, तो ध्यान से देखो ये सिस है कि ट्रांस है? ट्रांस बनी ना, ये सिस ट्रांस है। सेवन सिस ट्रांस, सिक्स सेवन एट तीनों एक ही टाइप के एग्जाम्पल हैं, बस उनके प्रोजेक्शन अलग है, एक में एल्कीन में बना दी, एक में रिंग में बना दिया, एक में बड़ी रिंग में बना दिया। आगे बढ़े। अच्छा बताओ सिस की मिरर इमेज क्या होती है? सिस। और ट्रांस की मिरर इमेज? और आर की मिरर इमेज? एस होगी। और एस की मिरर इमेज? आर। ठीक है, वेरी गुड। अब चलो नाइन्थ वाला लिखो, पिछली बार कहां तक लिखा था हमने? अल्फाबेट कहां तक हो गए थे? वी तो हो गया था ना, बी के बाद क्या आएगा?
अरे जल्दी जल्दी लिखो यार, मैं तुम्हें तो आराम से तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ, एक फीस में दो बार पढ़ा रहा हूँ। इतना टाइम मैं तुमको तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ी दे रहा हूँ यार, मैं तो चाहूँगा अभी 10 मिनट से पढ़ा दूंगा तुम्हें, ज़्यादा तो 3-4 लेक्चर का एक ही लेक्चर में करा दूंगा। रिपीटर वालों को ऐसे ही कराते हैं, हमको 10-10 मिनट सब बता देते हैं, क्योंकि तुम पहली बार सीख रहे हो ना एकदम, तो अच्छे से सीखो, टाइम मिल रहा है तो उसको सोचो थोड़ा। बाजू वाला दोस्त जो है उससे ब्रेक में बात कर लेना, दोस्त इम्पोर्टेंट है लेकिन क्लास के बाद। ट्राई किया आपने? चलो नाइन्थ का W और X के बीच में रिलेशन बताओ, इनेंशियमर है ठीक है, इसका हम RS कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल लेते हैं। चलो ये O हमारा फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है, एल्किन सेकेंड, मिथाइल थर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ S, और यहाँ से यहाँ एक पेयर चेंज हो गया मतलब ये क्या हुआ R। इस पूरे को लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिख लें S सिस, है ना, ये एस कॉन्फ़िगरेशन और सिस है। सिस कैसे पता चला? यहाँ हाइड्रोजन बना है 120 डिग्री पे, ये सिस है। अब सेकंड वाले में बताओ ये क्या हमारा आर सिस, तो बताओ डब्ल्यू और एक्स में रिलेशन क्या हुआ, इनेंशियमर हुआ, है ना, ये इसकी मिरर इमेज है, तो एस सिस और आर सिस में रिलेशन हुआ इनेंशियमर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बताओ वाई क्या है, ट्रांस, ये हाइड्रोजन नीचे होगा ना ऐसे ट्रांस होगा ना भाई, तो अगर एक भी सिस का ट्रांस बन गया ना तो फिर वो इनेंशियमर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिस की मिरर में तो सिस होगा, अब वो स्टीरियो आइसोमर है तो डायस्टीमर हो सकता है, तो बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है। और वैसे इसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे तो एस आएगा, ये है हमारा एस ट्रांस, तो इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ, डायस्टीरियोमर्स। अच्छा W और Y में क्या रिलेशन है, डायस्टीरियोमर्स, क्योंकि वो भी तो सिस का ट्रांस हो रहा है, तो W और Y एक भी सिस का ट्रांस हो गया मतलब वो क्या हो गया हमारा डायस्टीरियोमर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि S सिस का डायस्टीरियोमर बनाओ तो बताओ S सिस का डायस्टीरियोमर क्या बना सकते हो, S ट्रांस, या क्या बना सकते हो R ट्रांस, आप ट्रांस कर दो डायस्टीरियोमर बन गया। और अगर मैं बोलूं कि S सिस का इनेंशियमर बनाओ तब R सिस, ऐसे बोलूं कि S ट्रांस का इनेंशियमर बनाओ तब R ट्रांस, समझे आप। टेन बताओ, ये टेन जे एडवांस में आया हुआ सवाल है ये, तो बताओ क्या रिलेशन होंगे इन सब के आपस में, पहले ये Z और A डैश में क्या रिलेशन है बताओ, अदर्स, ये तो टॉटोमर है ना हमारे, ये तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो रहा है। अच्छा ए डैश और बी डैश में क्या रिलेशन है, अदर, कौन सा रिलेशन है, फंक्शनल आइसोमर, एक में एल्कीन एल्कोहल है
और एक में एल्डिहाइड है, समझे भाई? बी डैश और सी डैश में क्या रिलेशन है? अदर्स, अदर्स में ये भी फंक्शनल आइसोमर है, तो क्या इसमें इनेंसियोमर डायस्टोमर कोई नहीं है क्या? कौन सा है? ए डैश एंड सी डैश, वेरी गुड। ये ए डैश सी डैश क्या है हमारे? डायस्टोमर, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, तो ये डायस्टोमर हो गए। Z और B क्या होंगे बताओ? फंक्शनल आइसोमर, अदर्स में ना कीटोइनॉल हो गए। आगे बढ़े, चलो इन दोनों में बताओ क्या रिलेशन है? इन दोनों में रिलेशन बताओ क्या है? इनेंसियोमर है या डायस्टोमर है? देखो ध्यान से देखो, देखो एक थोड़ा सा चेंज है इसमें। एक बात बताओ, इसमें पहला वाला इक्लिप्स है कि पहला वाला स्टैगर्ड है? स्टैगर्ड है, और दूसरा वाला इक्लिप्स है। ये समझ में आ रहा है? अच्छा मैं ये पूछूं आपको कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज है या नहीं है? है ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड मिरर इमेज। कैसे? ये राइट है, यहाँ मिरर लगाएंगे तो ये लेफ्ट वाली उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा मैं दोनों हाथ को ऐसे रख दूं और अब पूछूं कि क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? अब भी है भाई, आपको हर बार ऐसा कोई मतलब आप कोई वीआईपी नहीं हो कि बस मैं देखूंगा मिरर इमेज है या नहीं है, ये है ये नहीं है। पहले दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। एक जैसा बनाने से मतलब क्या है कि थंब के सामने थंब लाना पड़ेगा, फिर हम कंपेयर करेंगे हाँ ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, समझे आप? अगर मैं ऐसे दे दूं दोनों और पूछूं क्या एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ये है, इसको घुमा के ऐसे लाना पड़ेगा। ये तुम कभी तो घुमा के ऐसे लेके आ रहे हो, कभी तुम घुमा के ऐसे लेके आ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि रिलेशन निकालने के लिए थंब के सामने थंब लेके आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि दोनों में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। ये बात समझे आप? ठीक है। अब ये में जो मैंने आपको बताया, ये क्यों बताया समझ रहे हो? ये स्टैगर्ड है और ये इक्लिप्स है, तो आपको या दोनों को इक्लिप्स बनाना पड़ेगा या दोनों को स्टैगर्ड बनाना पड़ेगा, तब हम कंपेयर कर पाएंगे उसको। ऐसा डायरेक्टली आप ये नहीं बोलोगे कि ये इक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है, नॉट मिरर इमेजेस डायस्टेरियोमर्स। वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, वो इनेंसियोमर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो। तो आप बताओ क्या करें, पहले को इक्लिप्स बनाएं या दूसरे को स्टैगर्ड बनाएं? पहले को इक्लिप्स बना लेते हैं, थोड़ा इजी लगेगा। इसको 180 से घुमा दें, तो ये मिथाइल यहाँ आएगा, सीएल यहाँ जाएगा और एच यहाँ आएगा, ऐसे ही होगा ना? तो पहले हमने 180 से रोटेट किया। अच्छा 180 से ही क्यों घुमाया भाई? क्योंकि हमें दोनों मिथाइल एक साथ चाहिए थे। अब कंपेयर करो इनको, अब ये वाला कार्य सेंटर कंपेयर करो, ये और ये कार्य सेंटर में क्या चेंज हो रहा है क्या? कुछ ये चेंज है ना, एक पेयर चेंज हो गया। तो अगर मान लो ये आर है तो ये एस होगा, और ये वाला जो कार्य सेंटर है इसमें कोई चेंज हो रहा है क्या? इसमें कोई चेंज नहीं है। तो एक कार्य सेंटर में एक पेयर चेंज हो गया और एक में कॉन्स्टेंट है, तो रिलेशन क्या हुआ बताओ? ये डायस्टीरियोमर्स है। समझे सौरभ कुमार? क्या समझे बताओ?
हाँ रिलेशन निकालने के लिए आपको डायरेक्ट सिर्फ देख के रिश्ता पता नहीं चलेगा, थोड़ा खोजबीन करना पड़ेगा तब रिश्ता पता चलेगा। हाँ मतलब दोनों, तुम चाहो तो बनाओ लेकिन दोनों को एक जैसा बनाओ, है ना, चाहो तो दोनों इक्लिप्स बना लो, दोनों स्टैगर्ड बना लो, तब रिलेशन पता चलेगा। अपन ने घुमाया और हो सकता है वो आइडेंटिटी के लिए हो। आप तैयार हो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए? ठीक है आगे बढ़े। लिख लिया आपने रिलेशन डायस्ट्रीमर्स? अरे सिंघाने जी नजर नहीं आ रहे, तबीयत ठीक है सिंघाने जी की? ऐसा क्रिकेट नहीं खेलना था इसलिए नहीं आया? अरे यार सिंघाने छोटी सी तो बात थी यार, ऐसे ही बोल देते, मैसेज करना वापस उनको कि गेम चेंज भी कर सकते हैं, वो चाहे तो कबड्डी वगैरह भी खेल सकते हैं। इन दोनों में रिलेशन निकालो। हो गया भाई, अब बताओ ट्वेल्थ का दोनों में क्या रिलेशन है? डायस्ट्रीमर, वेरी गुड। कैसे बताया डायस्ट्रीमर?
इसमें ये वाला फिक्स है और इसको 180 घुमाया तो H और OH चेंज हो गया ना, डायस्टमर आया। ये नहीं बना, H OH चेंज करना पड़ेगा। ऐसे बताओ 13 में क्या रिलेशन है? ये भी डायस्टमर है। कैसे? इसको 180 घुमाएंगे इसको 180 घुमाया तो ये बन गया ना, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। और इधर अपन ने एक पेयर चेंज कर दिया तो रिलेशन क्या आ गया? डायस्टेरोमर्स। बात समझ में आई तुम्हारे? अगर मैं चार एग्जांपल दे दूं ना, अगर फोर मॉलिक्यूल हो तो चारों को एक जैसा बना लो, फिर देखो उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, आगे बढ़े। 14th वाला लिखो। बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है? क्या भाई ट्राई कर लिया सबने? और जो लास्ट में बैठे जो मुस्कुरा रहे हैं, ट्राई कर लिया भाई? वेरी गुड। क्या आंसर है इसका? बस अपन सीधा देखेंगे ना भाई, ये स्टैगर्ड बने हुए हैं ना, बस इन दोनों को कंपेयर कर लो। ये वाला कार सेंटर यही है ना, कितने पेयर चेंज हो रहे हैं इसमें? पेयर चेंज, ये रोटेट हो गया ना सिंपली। ये तो ये बी आर इधर गया, डी इधर गया, सी एस सी इधर गया, ये आइडेंटिकल है। ये तो इसको घुमा दिया बस, है ना। पीछे वाले में क्या हो रहा है? पीछे वाले कार सेंटर में एक पेयर चेंज हो रहा है, तो आगे वाले को तो घुमा दिया और पीछे वाले में पेयर चेंज कर दिया, तो रिलेशन क्या हुआ? डायस्टेरियम। तो आगे वाला कार्य सेंटर तो आइडेंटिकल है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी इसलिए हो गया कि दोनों स्टैगर्ड फॉर्म में दे रखे हैं हमको, हम तो डायरेक्टली पेयर चेंज करके देख लेंगे। समझ गया? इसको और कॉम्प्लिकेट बनाना अपन ये भी कर सकते हैं, इसका फीसर बनाएं, फिर फीसर में RS निकालें, फिर मैच करें, वो करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट पेयर चेंज करके देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। 15th वाला लिखो। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, नया नाम देते हैं।
सब में रिलेशन निकालो, थोड़े क्वेश्चन रिलेटिवली आधा काम मैं आपको करके दे रहा हूँ। कैसे कि ये स्ट्रक्चर है, स्टीरियो है या आइडेंटिकल है, पहले वो तीनों चेक करने होते हैं। तो डायरेक्टली मैं आपको स्टीरियो आइसोमर दे रहा हूँ, आधा पार्ट एकदम रेडीमेड है। और भाई नंदनी कैसी हो? ठीक हो? एक कमज़ोर लग रही हो, खाना ना कम खा रही हो क्या? खाना ना खाया करो, चने वने खाया करो, चने वगैरह, चने और गुड़, हेमोग्लोबिन अच्छा होता है। ट्राई कर लिया भाई सबने? ट्राई कर लिया? जुड़वा मूवी देखिए, जुड़वा, दो तीन जुड़वा मूवी है, एक तो सलमान खान वाली है, एक वरुण धवन वाली है। तो जुड़वा में दो सलमान खान के बीच में क्या रिलेशन हुआ? इनेंशमर हुआ कि डायस्ट्रेमर? इनेंशमर, वेरी गुड। वरुण धवन में क्या रिलेशन हुआ दोनों में? इनेंशमर, वेरी गुड। वो मूवी देखी तुमने ऐश्वर्या राय वाली? अरे यार, मतलब ऐश्वर्या राय की मूवी देखना जरूरी होता ना भाई, ठीक है ना? तो ऐश्वर्या राय की एक मूवी आई थी मोहब्बतें करके, देखिए यार बाप बोलने तो दो मुझे पूरा। तो मोहब्बतें में हीरो था शाहरुख खान, और ऑपोजिट में एक्ट्रेस थी, कौन थी? ऐश्वर्या राय। तो तुमको बताना है कि शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय में क्या रिलेशन है? दो ऑप्शन है, इनेंशियोमर एंड डायस्ट्रियोमस। डायस्ट्रियोमर, वेरी गुड, समझ गए, ठीक है। एक ऐश्वर्या राय की एक मूवी थी यार, वो है ना जिसमें वो पूरे दुनिया के साथ जो है वंडर्स, वहां वो गाना शूट हुआ था, एक सेवन वंडर्स वाला, देखी नहीं तुमने? तुम यार एग्जाम के बाद है ना मूवी फोकस करो सब, ठीक है। चलो अब ये बताओ, इनमें रिलेशन बताओ पहले, ए बी में क्या रिलेशन है? ये तो डायस्टमर हो गया ना भाई, और बी सी में क्या है भाई? ये देखो, ये कांस्टेंट कार्य सेंटर है ना, और ये चेंज हो गया, मतलब डायस्टमर, और बी सी में बताओ क्या है? ये वेज का डैश, वेज का डैश, वेज का डैश, और डैश का वेज, इनेंशियमर हुआ है ना ये तो। और बताओ ए डी में क्या रिलेशन है? ये दोनों भी इनेंशियमर हुए ना भाई, और बी डी में क्या रिलेशन है? डायस्टीरियोमर,
सीडी में क्या रिलेशन है? डायस्ट्रीमर, एक इनेंसियमर हो गया ना इसकी मिरर में, तो बाकी सब क्या होंगे? डायस्ट्रीमर। और कोई रह तो नहीं गया? ए और सी में क्या रिलेशन है? डायस्ट्रीमर। अब जो डीपी मिलेगी ना, उसकी पहली दो डीपी बना के लाना।